तो नॉर्मलाइजेशन की लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैंने नॉर्मलाइजेशन की लिस्ट स्क्रीन पे डाल दी है, उसको आप पोज करके देख सकते हैं कि किस बच्चे को कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, जिस डेट में आपका पेपर है, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है। आप उस शिफ्ट के हिसाब से अपने लिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल अपना मोरल डाउन मत कीजिए, सब तैयारी करिए, फिजिकल की अच्छे से अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि वैसे भी बच्चे कई परसेंट आगे लिए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आए हैं वो जरूरी है कि फिजिकल पास कर लें। इसलिए अपने मोरल को बिल्कुल भी डाउन मत कीजिए, अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं तो जल्दी ही भर्ती को क्लियर किया जाना है इसमें। और आप अपने फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप आगे को आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अपनी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी कमेंट करोगे उनके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द दूंगी। जैसी भी आपको नॉलेज चाहिए, जिस बारे में जानकारी चाहिए, आप वो मुझसे बोल सकते हैं। तो फिजिकल के बारे में मैं आपको बता दूँ, फिजिकल की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कीजिए। पहले कुछ लोग ये सोच लेते हैं भाई हमारा नंबर नहीं आएगा, अचानक से नंबर आ जाता है, क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, अचानक से नंबर आ जाता है। तो पिछली बार यूपी पुलिस के पेपर में यही हुआ था, बच्चों ने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी और अचानक से ही नंबर आया, दूसरे तीसरे दिन को फिजिकल, तो वो बच्चे सारे फिजिकल में निकल गए थे। तो मैं आपको बता दूँ, आप पहले से ही फिजिकल की तैयारी शुरू करिए, और जो आप फिजिकल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप धूप में फिजिकल कीजिए, क्योंकि जो सुबह को 4 बजे 5 बजे फिजिकल की तैयारी करते हैं बच्चे, तो उनको ठंडक की आदत पड़ जाती है, वो ठंडे ठंडे में सुबह को फिजिकल कर लेते हैं। और यहाँ पे ग्राउंड में पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, आपको घंटों धूप में रहना पड़ता है और धूप की आदत होती नहीं है। इस वजह से कई बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, दूसरों की हालत देख देख के ही हो जाते हैं। और खासकर ध्यान रहे कि कच्चे रास्तों पे भी आप रनिंग की प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड कच्चे हैं और जब बच्चे एक साथ रनिंग करते हैं तो धूल इतनी उड़ती है, और धूल को जो हम वहाँ पे फिजिकल अपनी तैयारी करते हैं घर पे, वहाँ पे आप अकेले या दो बच्चे तैयारी करते हैं या दो चार साथ में लग जाते हैं, और ज़्यादातर में हम पक्की रोड पे फिजिकल की तैयारी करते हैं। तो आप कच्ची रोड पे भी फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि धूल की जो एनर्जी है ना कहीं वो आपके सांस को रोक देती है और उसमें फिजिकल मारने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए आप धूप में अपनी फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें सुबह को, हफ्ते में 2 या 3 दिन ज़रूर आप धूप में प्रैक्टिस करें, शाम को भी धूप में ही प्रैक्टिस करें, ठंडे में ना जाएं। जाए मैं ये नहीं कह रही ना जाए, लेकिन धूप में प्रैक्टिस जरूर करें अपनी, ताकि आपको धूप की आदत रहे और आपका फिजिकल यहाँ पे अच्छा हो। थैंक यू। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको जवाब दूंगी, आपके कमेंटों का जवाब दूंगी। कोई और जानकारी चाहिए आप उसके लिए भी बोल सकते हैं, जैसा भी पॉसिबल होगा, जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको सबसे पहले लाने की कोशिश करूँगी।